प्रतीक भाई साथ में। हाँ वीडियो प्रतीक आज बहुत ही सुपर कूल लग रहे हो। पहले तो बताओ ये लुक के बारे में और क्या हो। पहले तो आप ये बताओ कि मैं आज ही सुपर कूल लग रहा हूँ सिर्फ। अब हमेशा लगते वाला होगा वो व्हाट कैन यू से मोर देन दैट। So today's look is actually it's something that we are coming up with. It's a concept, not really a concept, but a concept kind of shoot hai jo hum kar rahe hain yahan pe. And all these super cool looks are designed and styled by Mohit. And bahut interesting kuch humne kuch kiya hai. We've tried to pull off something very interesting and creative. Jahan pe bilkul bhi dimag lagaya nahi zyada humne, lekin tab bhi achhi cheeze niklai hain. So, you know, because effortless cheeze karne ke baad kuch acha product nikal ke aata hai aisa lagta hai mujhe. So yeah, this is something about your attire today. So it's actually styled by Mohit and bahut hi basic hai dekha jaye to, but jis tarike se humne style karke photos khichi hai isme it has turned out to be very extraordinary. And photos ki wait kar rahe hain hum bhi. I'm sure acha aayega jo bhi aayega. Styling aur fashion ki baat ki jaye to kise aap follow karte ho? Kisi ko bhi follow nahi karta main. Mujhe to log bolte hain ki main to I'm someone who जिसकी स्टाइलिंग की बिल्कुल सेंस नहीं है जिसको, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिस तरीके से कपड़े पहनता हूँ वो मेरा अपना स्टाइल है. एंड जिस तरीके से मैं सोच के कपड़े पहनता हूँ वो मेरा अपना स्टाइल है. किसी को फॉलो करने से तो हम फिर फॉलोअर बन जाते हैं. यू शुड बी अ ट्रेंड सेटर नॉट अ फॉलोअर, मुझे ऐसा लगता है. लेकिन फिर भी हमने देखे आपके बहुत से फैन पेजेस हैं और साथ ही लोग आपको पसंद करते हैं, उन सभी के लिए क्या कुछ सजेशंस होगा स्पेशली दोस्त? मैं इतना बोलूँगा कि जो भी आपको कॉन्फिडेंस आता है पहन के और हर चीज़ में कॉन्फिडेंट रहो तो एवरीथिंग बिकम्स स्टाइल, एवरीथिंग बिकम्स अ ट्रेंड. अगर आप कॉन्फिडेंटली किसी भी चीज़ को पुल आउट कर रहे हो, पुल ऑफ कर रहे हो, तो वो हर चीज़ जो है वो स्टाइल बन जाता है. सो या या तो जो मेरा गाना है झूठ वो बहुत अच्छा चल रहा है अभी. एंड उसके बारे में भी हम लोग अभी एक सेशन रखेंगे वे विल टॉक अबाउट इट. एंड इट्स डूइंग वेरी वेल, पीपल आर लविंग इट. एंड लोगों को परफॉर्मेंसेज और ऑडियो वीडियो सब बहुत अच्छा लग रहा है. सो या इट्स डूइंग वेरी वेल. ऑल माई वीडियोज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स मुझे लगता है. एंड परफॉर्मेंस करने में कुछ नया जब चैलेंज आता है तो बहुत मज़ा आता है. सो बहुत मज़ा आता है शूट करने में. एंड जब प्रोडक्ट ऐसा आता है तो और मज़ा आता है देख के, यू नो. जैसे हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है शूट करने में, लेकिन जब प्रोडक्ट आएगा तो बहुत और ज़्यादा खुशी होगी. या साथ ही ये जानना चाहेंगे जैसे कि आप भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके हैं, कैसा लग रहा है आपको गेम और कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जिन्हें आप सपोर्ट? मेरा सीजन तो मेरा फेवरेट था यार, अपने सीजन में वो ही था बेस्ट मुझे लगता है. सो या एंड इस सीज़न तो मैं कुछ ज़्यादा देख नहीं रहा इस सीज़न को, बट ठीक है जो भी अच्छा है. आई लव सलमान भाई, ओनली फॉर हिम. मैं कभी कभार कुछ देखता हूँ तो देखता हूँ, बस दैट्स ऑल. वो तो मैंने पहले बोल दिया एक बार, पता नहीं मेरे को इतना कुछ पता भी नहीं था, मैंने तब भी बोल दिया. उसके ऊपर भी बहुत बातें उठ गई. सो या जो लोग रियल रहेंगे, जो लोग रॉ रहेंगे, वो टॉप थ्री में, उनको जनता सपोर्ट करके पहुँचाएगी. एंड बाकी ट्रॉफी जो भी जीते ना भी जीते, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वहाँ तक पहुँच जाते ना वो सब हकदार होते हैं. एंड बस साथ ही आपके सीजन में आपकी फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा अब तक लोगों ने पसंद किया है. क्या लगता है वैसे किसी की फ्रेंडशिप लगी है इस सीजन? यार मुझे लगता है कि जो लोग दिल से कनेक्टेड हो जाते हैं ना, जो लोग रियल होते हैं, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं. यू नो, चाहने वाले बहुत पसंद करते हैं. एंड जो भी रियल होगा उनको लोग पसंद करेंगे ही करेंगे, चाहे जो भी हो जाए. एंड मैंने इतना देखा नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा इतना कि किसकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है. बट हमारे सीजन में हम तो बिल्कुल दिल से दोस्तियाँ भी निभाई हैं, दुश्मनियाँ भी निभाई हैं. एंड बस आबाद भी बहुत किया, बर्बाद भी बहुत किया. अगर आपको अगर जाने का मौका मिले तो क्या कुछ चेंजेस आएंगे? यार मुझे लगता है मैंने अपना जो देना था ना बेस्ट, वो मैं दे चुका हूँ एक बारी में. एंड अब इसके आगे दोबारा बिग बॉस के घर में जाना मेरे लिए थोड़ा, मैं वो तो नहीं कर पाऊंगा जो मैंने किया, क्योंकि वो हो गया, वो नेचुरल था. बट आगे अभी मैंने सोचा नहीं इस बारे में कुछ भी. अगर ऐसा लग रहा हो कि किसी अभी तक कोई जो है जो अभी भी गेम नहीं खेल पा रहा है उसकी आँखें खोलनी है तो कौन सा वो कंटेस्टेंट होगा?
यार सब बहुत तेज़ हैं एक्चुअली यार, सबको पता है कि शो में क्या करना होता है एक्चुअली, पता है किसी को, सबको पता है कि भैया अंदर लव एंगल बनाने हैं, प्यार मोहब्बत करनी है, लड़ाइयाँ करनी है, ऑल दैट। सो या ऐसा कोई नहीं है इसकी आंखें बंद हो, कोई बेवकूफ़ नहीं है वहाँ पे जो अभी तक टिका होगा बेवकूफ़ बन के। दे आर ऑल वेरी स्मार्ट जो भी उस घर के अंदर जाते हैं और अभी तक टिकते हैं ना फिनाले के इतने दिन पहले तक, वो बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं और वो बहुत तेज़ तेज़ बन के गेम खेल रहे होते हैं। हाल ही में एक न्यूज़ है रेसलिंग रिलेटेड, कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, कह रहा ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को इसके पीछे ध्यान देना चाहिए जिस तरीके से हो रहा है क्या? आपने अगर देखा हो तो स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ लोगों के साथ गलत किया गया है और कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट को कह रहा है कि इसके पीछे इंसाफ मिलना चाहिए, स्पेशली टू दी स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड ऑल। द गर्ल्स स्टिल दे आर नॉट फीलिंग सेफ। देखो ऑनेस्टली मुझे इसके बारे में पता नहीं है ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं बिकॉज हाफ नॉलेज या नो नॉलेज के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रोविजंस तो होने ही चाहिए और होते ही हैं, आई एम श्योर होंगे भी, जिसके बारे में, जिसकी वजह से एक हर एक इंसान को, लड़का लड़की कोई भी हो, सबको सेफ़ फील करना चाहिए। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे घूमने में सबको सेफ़ फील करना चाहिए, अपनी ज़ुबान को, अपने यू नो शब्दों को बोलने में सेफ़ फील करना चाहिए, एंड वो होना ही चाहिए, वो होता होगा आई एम श्योर, होना ही चाहिए बिकॉज ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पे हमारे पास राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ऐसे कि हमारे पास सारा हक है हर चीज़ का। तो मुझे ये नहीं पता कि अभी क्या टॉपिक पर आप बात करें तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, बट सबको सेफ़ फील करना चाहिए और जहाँ पर कुछ गलत है उसके अगेंस्ट हमारे जो लॉज हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्वियसली यू नो करना चाहिए गलत के अगेंस्ट। सो या सादी आपके डिजाइनर के थ्रू जानना चाहेंगे क्या कुछ उन्होंने, प्लीज आप बताइए क्या कुछ आपने लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्टाइलिस्ट हूँ, डिजाइनर नहीं हूँ, ठीक है। एंड आज बहुत सारे यूनिक डिफरेंट डिफरेंट हमने लुक किए हैं। हमने स्टार्ट किया था समवेयर रेट्रो स्टाइल से स्टार्ट किया था, जहाँ पे प्रतीक ने ऑरेंज और ड्रामेटिक ग्रीन कलर का एक पेंट पहना था, बहुत ही क्लासी रहा। फिर उसके बाद हम मैन इन ब्लैक थीम में गए एंड फिर हम फाइनली क्लोज किया हमने विंटेज लुक के साथ। तो डिफरेंट डिफरेंट लुक्स थी। प्रतीक की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और वो हर लुक को बहुत 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 अच्छे से कैरी करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते कि ये लुक कैसे लगेगा या नहीं, एंड ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, ही इज़ वेरी लाइक कोऑपरेटिव। उनके ही बहुत सारे आज हमें मिलकर कुछ लुक प्लान किए, हम इसके ऐसे एक लुक ऐसी जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, जो हमने सीक्रेटली रूम में शूट किया, वो पता लगेगा बाद में। हाँ वो क्या नाम है, अलग लुक है थोड़ी, उसमें भी मैंने कुछ बहुत ही ज़रा सिंपल यू नो बेसिक दिनचर्या की जो चीज़ें होती है ना, वो हमने ये प्लान किया है थोड़ा। डेली रूटीन को प्रतीक के स्टाइल में दिखाया गया है कि एक्चुअली लाइफ में भी लोग ऐसा करते हैं, करते हैं, जब वो बाहर निकलेगा तो लोगों को पसंद आएगा और रिलेट कर पाएंगे हाईलाइट ऑफ द शूट। क्या कुछ प्रतीक के डिमांड्स थे उनके लुक के रिलेटेड कि मुझे ऐसा कुछ लुक चाहिए या? बहुत डिमांड्स थे ऑनेस्टली, यू वांट ऑनेस्ट फीडबैक। प्रतीक को आज सुबह तक पता भी नहीं था कि वो पहन कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट सरप्राइज थे। तो बट हाँ, प्रतीक के मेजरमेंट डेफिनेटली हमारे पास आ गए थे, बट या प्रतीक को सच में लुक के बारे में नहीं पता था, और ये तो प्रतीक बताएंगे कि हम उनकी आशाओं पे खरे उतरे। यार मैं तो कुछ डिमांड करता ही नहीं देखो ऑनेस्टली, यार मैं तो साफ सात्विक आदमी हूँ भाई, हम तो दाल रोटी खाने वाले लोग हैं बस और कुछ नहीं, सिंपल। एक्चुअली मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ एंड सो या खाने से तो खैर इसका कोई मतलब नहीं है, बट इट वॉज ऑल डन वेरी वेल एंड बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ था सब कुछ, एकदम यू नो ऐसे हो गया सब कुछ, एंड सो या वी लाइक इट एंड वी एंजॉय इट। Lastly, any message to all your viewers who are always giving a love? I would just like to, you know, fold my hands and thank you for all the love, all the support, always, and entire Pratik fam. मैं सबको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ and बस नई नई चीज़ें आती रहेंगी, आप लोग बस प्यार देते रहिए। कुछ तो हिंट दे दीजिए जाते जाते, कौन सा ऐसा नया शो, कौन सा ऐसा नया हिंट दे देंगे तो फिर सरप्राइज कैसे रहेगा, है ना? तो वेट करते हैं, थोड़ा सब्र रखते हैं, सब्र का भला मीठा हमेशा मीठा होता है। थैंक यू।